स्टूडेंट्स पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरमा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तसीफ खान एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास टेंथ का पहला चैप्टर द एंचेंटेड पूल, जिसमें हमने पैसेज एक और पैसेज दो जो है पढ़ लिया है। आज जो है हमें पैसेज चार और पाँच पढ़ना है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि क्विक रिवाइज कर दूँ आपके लिए पैसेज एक का, कि जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया प्यास और चिंता में। जब उनके भाई वापस नहीं आए तो उनके मन में कई ख्याल आए कि क्या वे श्राप के शिकार हो गए, या क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं, क्या वो प्यास से मूर्छित हो गए, क्या उनकी मौत हो गई। ये सारे ख्याल उनके दिमाग में जब आए तो इन ख्यालों को वो सहन करने में असमर्थ हो गए और फिर जो है वो इंतज़ार करना छोड़ दिए। दूसरे पैसेज में हमने पढ़ा कि वो उस दिशा में आगे बढ़ गए जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते गए तो वो एक ऐसे घास के मैदान के पास पहुँचे जो घास का मैदान एक साफ पानी वाले तालाब के चारों तरफ था। ठीक है, यानी राउंड में चारों तरफ था। वहाँ गए तो उन्होंने अपने भाइयों को बड़ा ही विचित्र अवस्था में पाया। उनके भाई वहाँ पर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन्होंने अपने भाइयों को देखा जो बिल्कुल फ्लैगपोल के समान बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ कह रहा है तीसरे पैसेज में कि उन्होंने अपने भाई भीम और अपने भाई अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया जो अब भी शांत अवस्था में पड़े हुए थे, और मौन विलाप करते हुए कहा कि वॉज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर ओज, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत ये होना था। जस्ट वेन आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, ठीक उस समय जब हमारा श्राप खत्म होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दिया है। फिर उसके बाद चौथे पैसेज में हमने पढ़ा कि वो अपने भाइयों के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज ही लुक देयर माइटी लिम्स, जैसे वो अपने भाइयों के बीच शक्तिशाली भुजाओं को, माइटी का प्रयोग करते हैं ताकतवर चीज़ों के लिए, जैसे ही वो अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखने लगे उन्हें आश्चर्य होने लगा कि हु कुड हैव बीन एनफ पावरफुल टू किल देम ऑल, कि किसके पास इतनी ताकत है जो इन सबको एक साथ मार सके। तब वह भी पानी पीने के लिए नीचे तालाब में उतरने का प्रयास करने लगे। तभी एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया। आवाज़ ने कहा कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट एंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करिएगा। एंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एंड देन यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, और तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, इस पूल का संबंध मुझसे है। यहाँ तक हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज से हम पैसेज पाँच को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने नहीं लिया एक भी क्षण। ठीक है, युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, समझने में या समझने के लिए, दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, कि यह यक्ष के सिवा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती है। एंगेस्ड और अनुमान लगा दिया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ होगा या क्या घटित हो चुका था टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। ठीक है, इस पैसेज को हम लोग जो है थोड़ा ध्यान से समझने का, सेंटेंस को समझने का प्रयास करिएगा। करा इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, ठीक है, यहाँ युधिष्ठिर ने करा, युधिष्ठिर डिड नॉट टेक अ मोमेंट। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर जो इट का प्रयोग हुआ है ये युधिष्ठिर के लिए हुआ है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है कि इट जो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और ये रिप्लेस कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि युधिष्ठिर डिड नॉट टेक अ मोमेंट, कि युधिष्ठिर ने एक क्षण नहीं लिया
टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए या समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, कि यह यमराज के आवाज़ के सिवाय किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा, यहाँ ध्यान से देखा है तो यहाँ पर कुड लिखा हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। हिंदी में, हिंदी के ग्रामर में क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, और पास्ट टेंस में हो तब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मोहन ने मुझे बताया कि राम पैरामाउंट में पढ़ता है। मोहन ने मुझे बताया, ये पास्ट टेंस है, बताया, ठीक है, कि मोहन पैरामाउंट में पढ़ता है। लेकिन इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच आपको पास्ट टेंस में करना पड़ेगा, यानी कैन के स्थान पर आपको कुड करना पड़ेगा। तो जो यहाँ मतलब है वो यही है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक बिछड़ नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, समझ लेने में या समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, कि यमराज की आवाज़ के सिवाय ये दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब एंड के बाद कोई सब्जेक्ट ना हो, एंड के बाद कोई सब्जेक्ट ना हो तो पहला ही सब्जेक्ट उसके साथ काम करता है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा कौन है, स्टेड है, तो दूसरे सेंटेंस में भी गेस्ड मैंने अनुमान लगाया। तो किसने अनुमान लगाया, युधिष्ठिर ने अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ होगा या क्या घटित हो चुका है टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये व्हाट जो है ये यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन में होता है तो इसका अर्थ होता है जो या फिर कि क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, कि क्या, तो कह रहा है कि गेस्ट और युधिष्ठिर ने गेस किया, अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ था टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ। और फिर देखें, था तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम ऐसे ही कहेंगे कि क्या घटित हुआ है उसके भाइयों के साथ। हिंदी ग्रामर में हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले पास्ट टेंस हो और बाद में हम प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हैप के जगह है, व्हाट हैज के जगह पर यहाँ पर इसने क्या यूज़ कर दिया, हैड यूज़ कर दिया है। तो हिंदी में हम ऐसे ही कहेंगे, और ये अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। आगे कह रहा है, इट टुक हिम नो टाइम, उनको कोई समय नहीं लगा टू सी, देखने में अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता। यानी उनको एक संभावित रास्ता दिखा, और संभावित रास्ता दिखने में कोई समय नहीं लगा। संभावित रास्ता किस चीज़ का, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक माने वापस लाने का, देम माने अपने भाइयों को बैक टू लाइफ, जीवन में वापस। देम शब्द यूज़ किया गया है उनके चारों भाइयों के लिए जो वहाँ अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। तो कह रहा है, इट टुक हिम नो टाइम, उनको कोई समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता तलाशने में, अब ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको जीवन में वापस लाने का। फिर आगे क्या कह रहा है, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड, उन्होंने कहा टू द बॉडीलेस वॉइस, उस शरीर रहित आवाज़ से, माने उस आवाज़ से जिसका कोई रूप नहीं था, ठीक है। क्या कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, ठीक है। इस पैसेज को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। कर आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, ठीक है। कह रहा है कि युधिष्ठिर को समझने में, युधिष्ठिर ने कोई समय नहीं लिया इस बात को समझने में कि यह यमराज के सिवा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती है। और फिर उन्होंने गेस किया, उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या घटित हुआ है उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कह रहा है, और उनको कोई समय नहीं लगा एक संभावित रास्ता देखने में कि कैसे अपने भाइयों को जीवित किया जा सके, अपने भाइयों को कैसे जीवन में वापस लाया जा सके। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, ठीक है। अब हमारा छठा पैसेज शुरू होगा। छठे पैसेज में कह रहा है कि द वॉइस, वह जो आवाज़ थी जिसका कोई रूप नहीं था,
पुट क्वेश्चंस, उसने प्रश्नों को रखा किसके सामने, युधिष्ठिर के सामने, या प्रश्नों को रखा यानी प्रश्न पूछे रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो फास्ट शब्द होता है, ठीक है, फास्ट सबसे जो होता है उससे बेहतर होता है कि हम रैपिड शब्द का यूज करें अगर वह एडवर्ब का फंक्शन कर रहा हो, ठीक है। तो द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, की आवाज़ ने एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रश्नों को तेजी से किया। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, जिस जो आवाज़ थी, यक्ष की जो आवाज़ थी, वो पहला प्रश्न उनका क्या था कि वाट रेस्क्यूजेज मैन इन डेंजर, वाट रेस्क्यूजेज कह रहा क्या बचाती है, यूं कहना कौन सी चीज़ बचाती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया था कि वाट जो है एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है। अभी पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि वाट जो है सब्जेक्ट का काम कर सकता है अगर उसका रिप्लाई कोई निर्जीव चीज़ हो, ठीक है, और ये कौन के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस समझें कि मान लीजिए मेरी मुसीबत में मेरी सहायता एक व्यक्ति ने किया, तो मैं कहूँ, तो प्रश्न पूछने वाला मुझसे ऐसे पूछेगा कि हु हेल्प्ड यू, और लेकिन अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ था उस समय मेरी सहायता किसी निर्जीव चीज़ ने की। आप सोचेंगे सर निर्जीव चीज़ कैसे कर सकती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और आपकी मदद कर, वहाँ एक साइकिल मिल जाए आपकी, आपको, तो आपकी मदद किसने की, साइकिल ने की, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे व्हाट हेल्प्स यू, ये नहीं कहेंगे हु हेल्प्स यू, ठीक है, या हु हेल्प्ड यू, किसने आपकी मदद की, ठीक है। तो व्हाट का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, कौन के लिए या किस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि निर्जीव चीज़ के लिए व्हाट यूज होता है, तो चीज़ अपने आप हमें ऐड कर सकते हैं। कर व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज इज मैन इन डेंजर, रेस्क्यू शब्द का आपने रेस्क्यू शब्द को सुना होगा, जब बाढ़ उड़ाती है तो क्या कहा जाता है कि वहाँ पुलिस ने रेस्क्यू कर किया, फल तीन लोगों का वहाँ पुलिस ने रेस्क्यू किया एक व्यक्ति का, तो रेस्क्यू मीन्स होता है किसी चीज़ को बचाना। करा व्हाट रेस्क्यूज, कौन सी चीज़ बचाता है मैन माने आदमी को, इन डेंजर माने खतरे में, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज, यानी साहस जो है मनुष्य को खतरे में बचाता है, यानी अगर कभी भी कोई इंसान खतरे में पड़ जाए तो उसको बचाता कौन है, उसका साहस, ठीक है। अगर साहस वो हार गया, अपना हिम्मत हार गया, तो फिर उसका वो मुसीबत में पड़ता चला जाएगा। इसलिए कभी भी आप खतरे में पड़े हैं तो आप जो है साहस बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें। तो प्रश्न व्हाट का मतलब हम यहाँ क्या कह लेंगे, क्या नहीं कहेंगे, बल्कि कह लेंगे कौन सी चीज़, ठीक है। तो व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है, तो युधिष्ठिर ने कहा करेज यानी साहस बचाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उसने आवाज़ ने क्या किया, कह रहा है कि बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव विद प्रीपोजिशन, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के पहले हम जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा, इसका मतलब क्या होगा, किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा डज मैन बिकम, यहाँ साइंस शब्द का उसने यूज़ किया है, तो हम कह लेंगे विज्ञान, ठीक है। किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा मैन, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य चतुर होता है, किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनुष्य चतुर होता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य चतुर होता है। इसका रिप्लाई युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य चतुर होता है, डज मैन बिकम वाइज। अब इस दोनों सेंटेंस को थोड़ा ग्रामेटिकल ढंग से हम समझने का अगर प्रयास करें, तो पहले सेंटेंस में तो विच का प्रयोग इसने किया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर तो हम डज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। लेकिन जब आदमी रिप्लाई करता है, यानी जब आदमी उत्तर करता है, तो उसका जो रिप्लाई होता है, उसका जो आंसर होता है, वो तो असर्टिव सेंटेंस में होता है। तो जब वो असर्टिव सेंटेंस में है, तो यहाँ पर डज का प्रयोग उसने क्यों किया है,
ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ डज मेन वर्ब है तो फिर यहाँ पर बिकम क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा ध्यान से। तो कह रहा है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य चतुर होता है। हाँ, अगर इस सेंटेंस को इसने ऐसे लिखा होता कि मैन डज नॉट बिकम वाइज, पहले इसने मैन को लिखा होता मैन, उसके बाद लिखा होता डज और उसके बाद लिखा होता नॉट, मैन डज नॉट, उसके बाद उसने लिखा होता बिकम, मैन डज नॉट बिकम माने मनुष्य नहीं होता है, वाइज लिखा होता माने चतुर, बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा। तो बात समझ में आती। यहाँ सोचना यह है कि यहाँ पर जो डज शब्द है उसने क्यों यूज किया हुआ है। आप ग्रामर में आगे पढ़ेंगे, मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, पार्टिकुलर चार पांच जगह इन्वर्जन काम करता है। उसमें एक ये है कि अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो जो वर्ब होता है, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब होता है, वो अपने सब्जेक्ट से पहले होता है। जैसे एक वाक्य आपने देखा होगा, हियर कम्स माई फ्रेंड, हियर कम्स माई फ्रेंड, ये देखो यहाँ मेरा मित्र आ गया, ठीक है। तो हियर, हियर क्या है, एडवर्ब है। तो जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखें तो मैंने नॉट और नो का यूज पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था मैंने कि ये जो नॉट होता है, नॉट एडवर्ब होता है। अगर ये एडवर्ब है तो सेंटेंस किससे शुरू हुआ, एडवर्ब से शुरू हुआ। जब ये एडवर्ब से शुरू हुआ तो सब्जेक्ट इसका कौन है, मैन है, मैन बाद में जा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझा, सेंटेंस किससे शुरू है, नॉट से शुरू है, सब्जेक्ट कौन है, मैन है। तो फिर यहाँ पर आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इसलिए इसने लिखा है कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं, मैन बिकम वाइज, मनुष्य चालाक होता है। एक और सेंटेंस इस पर बड़ा फेमस सेंटेंस है, जो लिखा रहता है एज सून एज। जैसे ही एज सून एज को हम नो सुनन में बदलते हैं, वहाँ हम डिड को पहले लिखते हैं फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, वो भी इन्वर्जन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेंटेंस नॉट से शुरू है यानी एडवर्ब से शुरू है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो बना हुआ सेंटेंस क्या हो जाएगा कि मैन डज नॉट बिकम वाइज बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनुष्य चालाक नहीं होता है। फिर कैसे चालाक होता है, उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, कहा इट इज बाय एसोसिएशन, ये संस्थाओं द्वारा होता है। कौन सी चीज, यानी मनुष्य का जो बुद्धिमान होना है, जो बुद्धिमान होने की प्रक्रिया है, वो संस्थाएं उसे बुद्धि देती हैं, विथ ग्रेट, महान लोगों की, महान लोगों की जो संस्थाएं होती हैं, महान लोग जहां इकट्ठे होते हैं, महान लोगों के साथ रह के आदमी ज्ञान को अर्जित करता है, दैट ही गेट्स विजडम, जहाँ से वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो दूसरा प्रश्न उनका था कि किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा, ये उनका दूसरा प्रश्न था, किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनुष्य चालाक होता है। उसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, पहले कहा किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य चालाक नहीं होता है, ठीक है, अब जान लीजिए, बल्कि महान लोगों की संस्थाएं होती है जहाँ से वह ज्ञान को प्राप्त करता है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आसपास के अपने से चतुर लोगों के साथ रहा करिए, ठीक है, ताकि आप हमेशा ज्ञान को अर्जित करते रहें। आगे कह रहा है कि व्हाट इज मोर, सॉरी छूट रहा है, द यच आस्क्ड, ठीक है, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, व्हाट इज, अब देखें यहाँ भी व्हाट सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज कौन है, हवा से तेज क्या है, ठीक है। अब देखें, चूंकि इसका उत्तर आने वाला है माइंड, ठीक है, और माइंड है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसलिए यहाँ पर हम हु से प्रश्न नहीं कर सकते। कह रहा व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा माइंड, ठीक है, हवा से तेज कौन है, माइंड, ठीक है। हवा के चलने की एक रफ्तार होती है, लेकिन दिमाग के चलने की कोई रफ्तार नहीं होती है। एक जगह बैठे बैठे आप कहाँ कहाँ का नज़ारा ले लेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर युधिष्ठिर ने कहा व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, ये कंपेरेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। तो कह रहा है कि व्हाट इज फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, कि एक सूखी हुई घास है, सूखी हुई घास का मतलब यहाँ पर हम भूस से लेंगे, कह रहा है भूस है, उससे भी सूखा क्या है। अब देखें कि भूसा जो होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग चौपायों को खिलाने के लिए करते हैं,
उसमें किसी प्रकार की कोई नमी होती है, उससे सूखी चीज़ तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये पूरा कह रहा है कि उससे भी सूखा क्या है। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, इस सारो स्ट्राइक एन हर्ट, दिल से दुख से चोटिल हृदय, दुख से चोटिल हृदय, ठीक है, वो सूखे से भी भूसे से भी अधिक सूखा हो जाता है, उसमें कोई द्रवता कोई नमी नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न उन्होंने कहा, वाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, फिर यहाँ पर वाट सब्जेक्ट हो रहा है, फिर इसका रिप्लाई कोई निर्जीव चीज आएगी, ठीक है। कह रहा वाट बिफ्रेंड्स, बिफ्रेंड का मतलब होना होता है प्यारा होना, मित्र होना। कह रहा वाट बिफ्रेंड्स, कौन मित्र होता है अ ट्रेवलर, एक साथी का, एक यात्री का, एक जो ट्रेवलर होता है, एक आदमी जो यात्रा कर रहा होता है, उसका साथी कौन होता है, ठीक है। आप ध्यान रखें, ये इस समय की यात्रा की बात नहीं हो रही है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत तेज है, बल्कि ये उस समय की बात है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ख़राब हुआ करता था और लोग पैदल ही जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से यात्रा किया करते थे। करा व्हाट बी फ्रेंड्स, कौन मित्र हो जाता है अ ट्रेवलर, एक साथी का। युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा लर्निंग, ज्ञान बुद्धि, सीखी हुई चीज़ें, ठीक है। बुद्धि जो है, यानी लर्निंग जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो सीखी हुई चीज़ें हैं, वही एक यात्री की साथी होती हैं। अगला प्रश्न किया, हु इज द फ्रेंड। अब ध्यान रखें, यहाँ पर हु से क्वेश्चन कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, कोई सजीव चीज आएगी। कह रहा हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। कह रहा हु इज द फ्रेंड, एक कौन मित्र होता है ऑफ वन, उस एक साथी का, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये एक शब्द सब पे लागू होगा, यानी आपका साथी, मेरा साथी, सबका साथी कौन होता है, जो स्टेज एट होम, घर पर ठहरता है। यानी एक आदमी अगर घर पर रहता है, बाहर नहीं रहता है, तो उस आदमी का सबसे प्यारा साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वाइफ, उन्होंने कहा पत्नी। जबकि ये बात मुझे कभी भी समझ में नहीं आती कि पत्नी जो है, आज के परिवेश में आप देखें तो पत्नी ही सबसे बड़ी शत्रु होती है। घर पर अगर आप जो है रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा विवाद तो आपके पत्नी से ही हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दें कि कभी भी पत्नी से विवाद न करें, क्योंकि वही घर पर आपकी सच्ची साथी है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पत्नी जो है उस व्यक्ति की मित्र होती है जो व्यक्ति घर पर रहता है। फिर आगे उन्होंने प्रश्न किया, करा हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कि मौत में मनुष्य का साथी कौन होता है, मौत में मनुष्य का साथी कौन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न किससे है, हु से है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि जब व्हाट से प्रश्न होगा तो निर्जीव चीज रिप्लाई आएगी, जब हु से प्रश्न होगा तो सजीव, जबकि यहाँ पर जो धर्म है ये क्या अवस्टक विचार, अवस्टक नाउन है, यानी एक विचार है, तो ये सजीव तो नहीं है, तो हु से क्यों प्रश्न किया। तो यहाँ पर उसने हु से प्रश्न करके युधिष्ठिर को असमंजस में डाला कि वह जो है वह जो है उत्तर में कोई व्यक्ति भी कह सकते हैं और कोई निर्जीव चीज भी कह सकते हैं, यहाँ पर श्योर नहीं था उत्तर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हु से प्रश्न कर दिया, तो कहा हु एकम्पनीज, कौन साथ देता है अ मैन, एक आदमी का, इन डेथ माने मृत्यु में। युधिष्ठिर ने कहा धर्म, धर्म मनुष्य का साथी होता है। पर्टिकुलर शब्द पर मैं एक कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको। यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन सा धर्म, ठीक है, आप जिस भी धर्म के हैं, अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपका धर्म हमेशा आपको अच्छे मार्ग दिखाएगा, कभी भी धर्म मनुष्य को गलत मार्ग नहीं दिखाता है। तो उन्होंने कहा कि धर्म जो है मनुष्य का साथी होता है मौत में। करा दैट एलोन, ये अकेला एक कंपनी साथ देता है द सोल, उस आत्मा का, इट्स सोलिटरी जर्नी, उसकी एकल यात्रा में, यानी मरने के बाद जब आत्मा अकेली यात्रा करते हुए आकाश की ओर बढ़ती है, तो उसका साथी कौन होता है, धर्म। यानी धर्म को आपने कितने सही तरीके से निभाया हुआ है, ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर मरने के बाद आपके आत्मा का साथी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये धर्मराज युधिष्ठिर के वर्ड हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस पेसेज को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी न लगा कि यह यमराज के सिवाय किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है, और उन्होंने गेस कर लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ।
और उनको यह समझने में भी कोई समय नहीं लगा यह कि एक संभावित रास्ता है अपने भाइयों को जीवन में वापस लाने का। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उन्होंने उस आवाज़ रहित शरीर रहित आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न बहुत तेज़ी से किया। पहला प्रश्न किया, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने कहा, करेज। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनुष्य ज्ञानी होता है। तो उन्होंने कहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य ज्ञानी नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि वह महान और चतुर लोगों की संस्था होती है जहाँ से मनुष्य अपने ज्ञान को अर्जित करता है। फिर यमराज ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, दिमाग। फिर पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, सूखे हुए तिनके से भी सूखा क्या है। उन्होंने कहा, असारो स्ट्राइकन हार्ट, यानी दुख से टूटा हुआ हृदय, दुख से चोटिल हृदय। फिर कहा, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग। फिर उसके बाद यमराज ने पूछा, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कि घर पे जो बेग ठहरे उसका साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, वाइफ। फिर प्रश्न हुआ कि हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कि मौत में मरने के बाद एक मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म इज द वनली वन दैट एकम्पनीज मैन द सोल इन इट सोलिटी, लिखा है दैट एलोन एकम्पनी। यहाँ एक चीज़ समझ लें कि यहाँ दैट से सेंटेंस को क्यों जोड़ा हुआ है। पर्टिकुलर एक सेंटेंस आपको अपने मन से बनाना होगा कि धर्म इज एलोन दैट कंपनीज, इसको ऐसे धर्म इज एलोन, यानी धर्म इकलौती चीज है, एक कंपनी जो साथ देती है, द सोल आत्मा की सोलिट्री जर्नी, उसकी एकल यात्रा में आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो मनुष्य की यात्रा अकेली कर, मनुष्य की आत्मा अकेली यात्रा कर रही होती है, तो उसका साथ देने के लिए केवल धर्म होता है। फिर उन्होंने पूछा, व्हाट इज द बिगेस्ट वेजल, ठीक है, कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है इस पृथ्वी पर। युधिष्ठिर ने कहा, अर्थ। पृथ्वी संसार का सबसे, पृथ्वी जो है सबसे बड़ा बर्तन है, विच कंटेंस, जो अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है ऑल, सब कुछ विद इन इटसेल्फ, खुद ही जो पृथ्वी अपने अंदर सब कुछ सम्मिलित कर लेता है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, ये सबसे बड़ा बर्तन है। फिर पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशहाली क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि युधिष्ठिर का प्रश्न, यमराज का प्रश्न भी बहुत खूबसूरत है, उसका जवाब जो युधिष्ठिर ने दिया वो भी बहुत शानदार है। यमराज ने पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशहाली क्या है, धन दौलत रुपया औलाद परिवार क्या है खुशहाली। युधिष्ठिर ने कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि अच्छे आचरण का परिणाम है खुशहाली। अगर आप चाहते हैं खुश रहें तो आप सबसे पहले अपने आचरण को अच्छा करिए, ठीक है, अदरवाइज आपका आचरण सही नहीं रहेगा, इधर उधर हर जगह आप गलत काम करते रहेंगे, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, हमेशा आप परेशान रहेंगे और कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम होता है खुशहाली। फिर उसने कहा, व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज है या वह क्या है। देखिएगा प्रश्न, कह रहा वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसको छोड़कर मैन बिकम्स वाइज, मनुष्य चालाक हो जाता है, बाय छूट रहा है कुछ, हाँ छूट रहा है। पूछा, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसको छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। तो यमराज ने उसका उत्तर दिया, कहा प्राइड, कहा घमंड, फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि एक आदमी घमंडी होना छोड़े, यहाँ ध्यान देंगे प्राउड शब्द इसने यूज किया है, प्राउड तो गर्व है, अच्छी बात है, गर्व हमें करना चाहिए कुछ चीज़ों पर, लेकिन निगेटिव चीज़ों पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं, घमंड में वो गर्व नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड, वह प्रेमी हो जाएगा बाई आल, सबका, वह सबका प्यारा हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारा फ्यूचर कंडीशन सेंटेंस है, जहाँ पहले शर्त वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाया और फल वाले वाक्य को फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बनाया है। और यहाँ बिल के साथ बी लव्ड यानी ये पैसिव वॉइस में वाक्य है, तो कह रहा है इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ देगा, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबके द्वारा प्रेम किया जाएगा, यानी सब लोग उससे प्रेम करेंगे। फिर यमराज ने पूछा व्हाट इज द लॉस, कौन सी ऐसी क्षति है, कौन सा ऐसा नुकसान है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इल्ड्स जो देती है जॉय आनंद, नॉट सारो न कि दुख। भाई देखें, नुकसान होने पे तो हमेशा आदमी को दुखी होता है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नुकसान है, कौन सी ऐसी हानि है जो आनंद देती है न कि दुख। इसका सुंदर उत्तर सुनिएगा, युधिष्ठिर ने कहा एंगर, यदि क्रोध का नुकसान हो जाए तो उससे आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा न कि दुख। कहा एंगर, क्रोध ऐसा नुकसान है कि क्रोध में अगर आप नुकसान करते हैं, क्रोध में हानि होती है, तो आपको हमेशा आनंद मिलेगा न कि दुख। कह रहा इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, देखा ध्यान से इसमें फ्यूचर नहीं कहीं लगा हुआ है, यहाँ विल सेल नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ देंगे, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जब दोनों भाग फ्यूचर में होते हैं तो पहले भाग को जो कंडीशन को अप्लाई करता है, जो शर्त रखता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। करा इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, नो लॉन्गर का मतलब होता है लंबे समय तक नहीं, तो हम लंबे समय तक दुख के शिकार नहीं रहेंगे। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिकार, ठीक है। तो अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे तो लंबे समय तक दुख के शिकार नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आशा करता हूँ यहाँ तक जो कुछ पढ़ा है आपको बेहतर समझ में आया होगा। सातवां पैसेज जो है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।